मेरा घर का नाम राधे श्याम कुमार है। मैं पार्टी में आया तो मेरा नाम उमेश यादव बीमल यादव पड़ा। मेरा घर सेवनन सलेमपुर ऊपी कड़ौना थाना प्लस जिला जहानाबाद का मैं खास निवासी हूँ। लगभग 1995-96 में घरेलू विवाद के कारण मैं पार्टी में शामिल हुआ था। उस समय पार्टी का नाम CPIML पार्टी यूनिटी था। फिर 1998-1999 के लगभग में पार्टी यूनिटी CPIML पार्टी यूनिटी और CPIML पीपुल्सवाद दोनों पार्टी को विलय हुआ और नया पार्टी का नाम पड़ा CPIML पीपुल्सवाद। फिर 21 सितंबर 2004 को CPIML पीपुल्सवाद और MCCI कुछ दशकों से माओवादी संगठन में एक्टिव है। उसके आने से निश्चित रूप से हमारे आगे के जो हमारी कार्य योजना है उसमें निश्चित रूप से उसका काफ़ी योगदान रहेगा, इनके जो इनपुट्स मिलेंगे और साथ साथ इनके माध्यम से हम जो बचे हुए माओवादी हैं उनको भी ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि आप भी हिंसा का रास्ता छोड़िए, झारखंड सरकार की इस नीति का लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और अपने परिवार के साथ अपने बाल बच्चों के साथ सुख का जीवन बीतिए। तो जो भी व्यक्ति जो संगठन का सदस्य है CPI माओवादी या अन्य इस तरीके के संगठन है उनका सदस्य है, अगर वो हिंसा का रास्ता छोड़ता है और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है तो सरकार पुलिस और सभी एजेंसी सभी सुरक्षा बल खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। झारखंड पुलिस और CRPF और अन्य बलों के द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण अंग जो झारखंड सरकार की पुनर्वास आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है वो रही है और इस पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण नीति के तहत अभी तक झारखंड राज्य पुलिस एवं CRPF और अन्य बलों के समक्ष कई इनामी नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है तथा वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ी सफलता नक्सल उन्मूलन कार्य में लगे हुए बलों के लिए प्राप्त हुई है माना जाएगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।